और सभागार में उपस्थित आप सभी हमारे प्रिय सारथी साथियों, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और विकास सारथी सम्मेलन में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है कि वास्तविक परिभाषा देने में अब मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मोरल शब्द तो अपने आप में इतना व्यापक शब्द रहा है, जब से भाषा की उत्पत्ति हुई है तब से ही मोरल शब्द का भी उत्पत्ति हुआ होगा और उसी समय से इसकी व्यापकता बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। अब उसमें एक मिशन को, बेरोजगारी उन्मूलन का मिशन, गरीबी उन्मूलन का मिशन, अच्छे स्वास्थ्य का मिशन, इस मिशन को एक व्यवसाय को मोरल के साथ जन जन तक पहुंचाने का जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जिसका नाम मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज रखा गया, तो ये सब कहा जाता है कि आपके पास आप रहेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगा, बर्फ के पास आप रहेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, गुलाब के फूल के पास रहेंगे तो आपके नाक में गुलाब का सुगंध महसूस होगा और मिर्च के पौधे के पास रहेंगे तो आपके नाक में जलन का महसूस होगा। मतलब जैसे के संपर्क में आप जितना करीब में रहेंगे आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो ये बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का जो मिशन मेरे विचार में आया और उसको एक व्यावसायिक रूप दे करके, चूंकि यह अर्थ युग था तो आर्थिक रूप से ही लोगों को हम जोड़ सकते हैं अपने साथ संपन्नता दिलाने के लिए आसानी से, चूंकि इसकी जरूरत सभी को और सभी लोग क्राइसिस में, जो जितना कमा रहा है, जो जितना में है उतना में वो क्राइसिस में है, चूंकि इससे मन पैकेट तिजोरी किसी का भरा ही नहीं है, क्योंकि एक एक घर से आप देख रहे हैं कि 500-500 करोड़ रुपए नोट निकल रहा है, फिर भी वो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति रोज स्नान करता है, कपड़ा बांधता है, घर से निकलता है, अपनी दुकान पर जाता है, अपने व्यापार में जाता है, भाषण देता है, जो भी जिसका काम वो कर रहा है। मतलब कि इससे किसी का मन नहीं भरता। तो इस व्यवसाय को मोरल के साथ जोड़ दिया गया तो मोरल का असर इस व्यवसाय पर पड़ा, नैतिकता का असर इस व्यवसाय पर पड़ा। और चूंकि मोरल अपने आप में व्यापक शब्द था तो बहुत कम समय में बहुत मजबूती के साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को यह शब्द इस मुकाम तक लेकर के आया। अब सिर्फ शब्द से काम नहीं चलेगा, अभी तक 16 साल के बच्चे थे हम सभी लोग, तो बड़ी बड़ी गलतियां भी कर बैठते थे तो हंसी मजाक में उसे इग्नोर कर दिया जाता था। अब हम लोग जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके हैं, इसलिए छोटी छोटी गलतियां भी माफ नहीं किया जाना चाहिए।
बिल्कुल चूंकि अब कंधे मजबूत हो चुके हैं हम सभी लोगों का और बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुरल जगाना है, भारत बनाना है कि ये वादे और कस्में जो हम सभी लोग स्टेज से खाते हैं तो इस कसम का, इस वादे का, अपने आप से जो किया हुआ वादा है, इस देश से किया हुआ जो वादा है, मातृभूमि से किया हुआ जो वादा है, यह एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान का मिशन है और हम सभी लोग इस मिशन के सिपाही, हम सभी लोग इस मिशन के सारथी। तो अभी 16 वर्षों तक जैसे तैसे कोई बहुत अच्छा बोल रहा है तो भी वाह वाह, कुछ लोग नौटंकी कर रहा है, खराब कर रहा है तो भी वाह वाह, चलो सब सब धान बाईस दशहरी सब चल रहा है। दो लाख करके मीटिंग में जो ब्रांच मैनेजर आया उसको भी वही भोजन मिला, अच्छा गड़बड़ करके आया उसको भी वही भोजन मिला, आगे सुना होगा। 2 लाख वाला के खाली रोटी मिले, छुच्छे रोटी प्लेट सबके सामने बैठा के, ये तो ना इंसाफी है ना। 6 करोड़ वाला भी वही खाए, 2 लाख वाले को 6 करोड़ वाला कंफ्यूज रहे हैं, हम देखा रहे आए ये ठंडा में इतना दौड़ दौड़ करके इस सर के पास उनके पास फोन करके काहे की मेहनत किए थी इतना बार ये सब। अब गलतियां माफ नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की गलती, अब हर गलती के लिए दंड संहिता बन चुका है और उससे दंडित होंगे, हम भी होंगे, हम भी उसी में, उससे बाहर नहीं, उस दंड संहिता से हम बाहर नहीं। तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की दंड संहिता बन गई। क्यों जरूरत है बनाने की? इसलिए जरूरत है बनाने की कि हमें और आपको बहुत बड़ा कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है और इस मोरल वर्ल्ड में भेजा गया है। इसलिए अनुशासन, कठोरता के साथ अनुशासन का पालन करना और कठोरता के साथ अनुशासन का पालन करवाना ये जरूरी है। चूंकि नेटवर्क का इतिहास तो हम सभी लोग बदल चुके हैं, एक छोड़कर एक छोड़कर, वो एक क्या है, एक किंवदंती बना हुआ है हिंदुस्तान में कि नेटवर्क कंपनी 100 साल नहीं चलता, एक किंवदंती बना हुआ, किसी ने शतक नहीं पूरा किया, तो बाकी सबको हम लोग हिस्ट्री बना चुके हैं। क्या चीज में हिस्ट्री बना दिया है, एक आईडी पर इतने सारे सेगमेंट से काम करने का इतिहास बना चुके हैं। करोड़ और 2.5 करोड़ का रिवार्ड स्टेज से आप लोगों ने दिया है और आप लोगों ने लिया है, जो कि हिंदुस्तान में आज तक किसी कंपनी में रिवार्ड के रूप में नहीं दिया गया, एक हिस्ट्री आपके लिए। आपने निर्विवाद किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य किए बिना 16 वर्षों से सरकार के सभी नियम कानून का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का समाज के प्रति, ग्राहकों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको 100% पूरा करते हुए
और 17वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, ये इतिहास बनाए हैं। और भी बहुत बड़े बड़े इतिहास बनेंगे, इतने बड़े बड़े इतिहास बनेंगे। और अभी तो प्लान में 10 ही करोड़ है का रिवार्ड है लास्ट, क्या बताऊं 10 करोड़ के रिवार्ड लेते लेते 100 करोड़ के रिवार्ड का भी प्लान हो, क्योंकि हम तो आप लोगों को छोड़ने वाले हैं नहीं, हमको छोड़कर आप लोग चले जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी खराब बात यह है कि 5 दिसंबर 2007 को मोरल का जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट, हर का एंट्री और एग्जिट दोनों होता है, तो मोरल का भी दो गेट है, एंट्री गेट और एग्जिट, तो हम ये दोनों में बैरियर लगाना भूल, मतलब दरवाजा चौखट को लगाए केवाड़ी में लगाए खुला है भाई, जिसको आना है आ जा और जिसको जाना है चले, अपनी मर्जी से आ और अपनी मर्जी से जाओ, न बुलाने के लिए खुशामद है और न जाने के लिए कोई बुलाएगा कि मत जाओ ना। इतना फुर्सत जो है साथ में उसको लेकर आगे बढ़ो, जो नहीं आया है उसको लाने के लिए तरह तरह की जो जेन्यून चीजें हैं जन जन तक उनके कानों में दिलों में दिमागों में पहुंचाना है, खुशामद नहीं करना है, पहुंचाना है तरीके से। मैं बार बार कहता हूं आपके पास सच बोलने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि एक शब्द भी झूठ बोल करके किसी को मोरल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक सत्य बोले ना, 5 दिसंबर 2007 से लेकर के आज तक की कहानी सुनाएं, आपके पास जितने सेगमेंट है जितने बेहतर बेहतर प्रोडक्ट्स हैं उसको लोगों को बताएं और भविष्य में क्या आप करने वाले हैं ये बताएं, अपने अचीवर्स की संख्या बता दें, इतना काफी है बताने की जरूरत है। और वो बताने के क्रम में हमें आपको लगता है शर्म, और जिसने किया शर्म उसका फूटा करो, हमें आपको शर्म लगता है बताने में, हमें और आपको शर्म लगता है। अगर हमें आपको बताने में शर्म नहीं लगता तो इतने सेगमेंट और इतने संसाधन सब कुछ होते हुए भी हम लोग जिस टर्न ओवर पर और कार्यकर्ताओं की जिस संख्या पर हम लोग पहुंचे हैं, इसका कम से कम 90% और मतलब उम्र के हिसाब से, साधन के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से जो कुछ अभी आपके पास है, मतलब मोरल का जो कुछ है अभी का जो कुछ भी आपके पास है वो 10% है, ये 100% मतलब 90% और होना चाहिए, तो हम लोग को बोलने में लगता है सर कहां से। इसीलिए एक ऐसा चीज का निर्माण किया गया मोरल में कि जो गुंगा है और उसको बोलने में सर नहीं, कि जो गूंगा है लेकिन बहुत बोलता है, जिसको देखता है उसी से बोलता है और है वो गूंगा और उसको कोई शर्म नहीं लगता, वो गूंगा है बहुत बोलता है और कोई भेदभाव नहीं करता है, वो बच्चे से भी बोलता है, बूढ़े से भी बोलता है, औरत से भी बोलता है, मर्द से भी बोलता है, गरीब से भी बोलता है, अमीर से भी बोलता है। ऐसे चीज का उत्पत्ति किया गया मोरल में, क्योंकि हम लोगों को तो शर्म लगता है, हम लोगों को शर्म नहीं लगता। IMTG का स्टेक होल्डर 1,30,000 ही लोग कैसे रहते,
जबकि उससे कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ आईडी की संख्या है। हमें शर्म लगता है कि हम उनको बताएं कैसे। तो खैर, एक ऐसी चीज को जन्म दिया गया मुरल में जो भाई गूंगा है, लेकिन बहुत बहुत और वो चीज अभी अभी आप लोगों ने देखा जो अमित सिंह आप लोगों को दिखा। एक ब्रांड बोर्ड, एक गूंगा है जिसका आविष्कार हुआ मुरल में, एक गूंगा है लेकिन बहुत बोलता है, ये जिसको देखता है उसी से अपने मन की बात कह रहा है। मैं मुरल ग्रुप ऑफ कंपनी हूं, रोजगार के लिए, निवेश के लिए, बचत के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए, अंग्रेजी दवा के लिए हमसे संपर्क करें। वो गूंगा है लेकिन सबसे अपने मन की बातों बोल देता है। इसका नाम क्या है? ब्रांड बोर्ड तो नाम आप लोग रखते हैं। ब्रांड बोर्ड उसका नाम है, लेकिन उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है हर घर बोर्ड। क्या नाम है? हर घर बोर्ड। क्या नाम है? घर घर। फिर से बोलिए, क्या नाम है? घर घर नहीं, घर घर नहीं, हर हर बोर्ड, हर घर बोर्ड, हर घर बोर्ड। हर घर बोर्ड। इस गूंगे से दोस्ती आप लोग कर लीजिए, इस गूंगे से दोस्ती कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर बोर्ड लगाने से क्या फायदा? तो उनको बोलिए कि फायदा नंबर एक कि कोई घाटा नहीं है। फायदा नंबर एक कि कोई घाटा नहीं है। कोई घाटा है? नहीं भाई। 10,000 के 50,000 आजकल एक शब्द बहुत मीडिया में चल रहा है जो 3 ईसा फेक गारंटी। लेकिन मुरल के स्टेज से जो शब्द बोला जाता है गारंटी वाला, वो 100% सत्य है। और गारंटी तो 17 साल पहले हमने ले लिया था कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे उनको धन सम्मान प्यार की कभी कोई कमी नहीं होगी। ये गारंटी तो मैं 17 साल पहले लिया था। और जो भी मेरे साथ बैठते हैं, जिनसे भी बातें होता हूं, उनसे गारंटी लेता हूं। लेकिन भैया, गारंटी हम ले लिए इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपने कर्म से मुक्त हो गए। कर्म तो करना होगा ना, सिस्टम से तो चलना होगा ना। तो हर घर बोर्ड से दोस्ती कर लेना। मुरल प्रकाश, मुरल प्रकाश जिस दिन लॉन्च हुआ है और जितना बेहतरीन वो प्लान है, जमाकर्ता के लिए भी, कार्यकर्ता के लिए भी और कंपनी के लिए, हम लोग को ऐसा ही काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, जिस काम से ग्राहक, कार्यकर्ता और कंपनी तीनों वाला माल रहे, तीनों मस्त रहे। ऐसा काम करना चाहिए और खूब करना चाहिए। तो मुरल प्रकाश जैसी नायाब योजना आया, कोई एक कर लिया, कोई दो कर लिया, कोई नहीं भी किया, कोई बात नहीं।
मोरन जगह नाम भरत बनाना, मोरन जगह नाम भरत बनाना। अब मोरन प्रकाश जैसी योजना के लिए हम गुंगा बने हुए हैं, किसी से बोलवे नहीं करेंगे। अरे वो क्यों नहीं बोलेंगे, ये मौनी बाबा बनने से कैसे काम चलेगा? मौनी बाबा बनने से काम नहीं चलेगा ना, चूंकि वीरों से वसुंधरा काली नहीं है, वीर भरे पड़े हुए। अब मोरल प्रकाश 1,00,000 का कैसे होगा, इसके लिए कुछ बताऊं? चार काम करना होगा। पहला काम कि जितने भी सक्रिय सदस्य थे, जिनका भी इनकम 10,000 रुपये प्रति माह के लगभग में मोरल में था, उन लोगों को हमें, आपको सबको तो पता है ना कि हमारे टीम में कितने लोग हैं जिनका 10,000 रुपये से ऊपर महीने की आमदनी। जिस दिन लॉन्च हुआ था उसके उसी सप्ताह में वैसे सभी साथियों को समझा करके और उनका मोरल प्रकाश पाने करना चाहिए, पहला काम ये होना चाहिए। दूसरे सप्ताह में क्या होना चाहिए था कि जितने भी हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ 2,000 रुपये प्रति माह से ऊपर का आरडी का खाता या 20,000 रुपये से ऊपर का कोई एफडी कभी किए हो, वैसे ग्राहकों के पास स्वयं अपने अपने ग्राहकों के पास जाकर के मिलना और मोरल प्रकाश के बारे में बता देना। अभी नहीं कर सकते। दूसरा काम, तीसरा काम कि उस दिन से जितने भी लोग मोरल में नए जुड़ रहे थे तो प्लान और प्रोफाइल बताने के पहले मोरल प्रकाश बताए, कागज कलम लेकर के बैठते और उनको कहते कि ऐसा है भैया कि हमारे यहां अभी रिसेंटली 4 दिन पहले बहुत नायाब प्लान आया है, मैं चाहता हूं कि पहले 5 मिनट में उसको बता दूं, उसके बाद प्रोफाइल और प्लान बताएंगे बिजनेस प्लान। तो उनको मोरल प्रकाश बता, अगर उनको मोरल प्रकाश बताते रहते तो इतनी अच्छी ज्वाइनिंग हुई है इस दरमियान इस बीच में कि सोचिए कितना मोरल प्रकाश होता। 20% भी रिजल्ट आता, 100 को बताने पर 20 आदमी भी लेता, 20% भी रिजल्ट आता तो ये जो उपाय बताए इतने ही उपाय में 1,00,000 अकाउंट हो गया रहता मोरल प्रकाश। अब 1,00,000 अकाउंट का जोड़ लीजिए कि कितना आपका बिजनेस भी और सारे चीजें हो जाता, फ्रेंचाइजी का कितना इनकम हो जाता, फ्रेंचाइजी स्टेब्लिश हो जाता और उतना ही बिजनेस फिर अगले साल रिन्यूअल में आए, फिर अगले साल आएगा 6 साल तक। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से आज का प्रथम विकास सारथी सम्मेलन आप लोगों के साथ संपन्न हुआ। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सुनने का भी आज दिन भर मुझे भी मौका मिला और बहुत कुछ आप लोगों से सीखा और मुझे गर्व है कि अपने संस्था में बहुत अच्छे अच्छे आप लोग स्पीकर हैं और अपने आप में आप सभी लोग एक संस्था है। आप चाहे वो मैनेजर्स ब्रांच मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं या ऊपर के मैनेजर हैं या फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, आप सभी लोग एक एक संस्था के मालिक हैं। और वो संस्था कौन है? मोरल। अब रामपुर फ्रेंचाइजी के गार्जियन जो है वो रामपुर के मोरल का मालिक है ना, तो मालिकाना हैसियत से और मालिकाना भाव से ऑनरशिप के फीलिंग से आप लोग काम करें। सुख सुविधाएं मिल रही है, मिलते रहेगी और हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलने का, मिलते रहने का यहां से गारंटी लिया जाता है और वो जारी रहेगा। कभी निराश होने का मौका नहीं होगा, कभी निराश होने का हतोत्साह होने की कोई जरूरत नहीं है और
कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, हमेशा याद रखने का नहीं है। जय हिंद, जय मोरल, मोरल जगाना है, मोरल जगाना है, मोरल जगाना है। थैंक यू।